और विरासत भी, ये हमारे संकल्प को मजबूत करने वाली बात है। साथियों, भारत के इतिहास में कांग्रेस और आरजेडी, इनसे बड़ा आदिवासी विरोधी कोई नहीं हुआ। ये जो हमारे नौजवान है, इनको वो पुराने दिन याद दिलाना जरूरी है। 80 के दशक में जब बिहार और दिल्ली दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, झारखंड तब अलग नहीं हुआ था, बिहार का हिस्सा था, और तब क्या हुआ था, आप जरा अपने माता पिता, अपने दादा दादी से पूछिए, अपने गांव के बुजुर्गों को पूछिए, उनको गुवा गोलीकांड जरूर याद होगा। जिस तरह की बर्बरता अंग्रेजों ने की थी, वैसी ही बर्बरता यहां कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों का खून बहा करके थी। यहां कांग्रेस सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों को गोलियों से भून दिया था। हमारे वो आदिवासी पूर्वज सिर्फ अपना हक मांग रहे थे, वो अलग झारखंड राज्य मांग रहे थे। मत भूलिए, तब आरजेडी के नेता भी कहते थे कि झारखंड उनकी लाश पर बनेगा। आपकी आकांक्षाओं से, आपके सपनों से इतनी ज्यादा नफरत है इन लोगों को। और देखिए, जो आरजेडी झारखंड बनाने को सहमत नहीं था, झारखंड बनाने की बात करने वालों को कुचलना चाहता था, उस आरजेडी की गोदी में कौन बैठा है, जेएमएम जाकर के उनकी गोदी में बैठ गया है। कांग्रेस और आरजेडी आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन है, और जेएमएम की सच्चाई भी किसी से छिपी नहीं है। जिस कांग्रेस के दामन पर आदिवासियों के खून के छींटे हैं, आज जेएमएम उसी के कंधे के सहारे सरकार चला रही है।